फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज खोलकर विदेशों से आने वाले कॉल को भारतीय नंबर पर ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की गोरखपुर की फील्ड इकाई ने गिरफ्तार कर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश को यह सूचना थी कि विगत कुछ समय से फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से विदेशों से आने वाले कॉल को फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज खोलकर उसको भारतीय नंबर पर ट्रांसफर कर भारत सरकार को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में विभिन्न इकाइयों से सूचना एकत्रित कर कार्रवाई करने के अनुपालन में एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र कुमार शाही के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर के इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक सूरजनाथ सिंह और उप निरीक्षक आलोक कुमार राय की गठित टीम द्वारा अपने सूत्रों को सक्रिय किया गया, जिसके दौरान यह जानकारी मिली कि कुछ लोग विजय चौराहे के पास गैस गोदाम गली में किराए के मकान में फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहे हैं, जिसके द्वारा सिम बॉक्स में एक साथ कई डोगल लगाकर भिन्न भिन्न कंपनियों के सिम के द्वारा बांग्लादेश, पाकिस्तान और खाड़ी के अन्य देशों में बात कराकर भारत सरकार को काफ़ी राजस्व के नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह सब कानूनी रूप से लागू अंतर्राष्ट्रीय गेटवे को बाईपास कर सरकार की निगरानी से बच जाते थे। इस सटीक सूचना पर एसटीएफ गोरखपुर फील्ड इकाई की टीम के निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह अपनी टीम के साथ गैस गोदाम गली में पहुंचकर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम आरिफ खान पुत्र कयूम खान निवासी कौलाचक पोस्ट बजरिया थाना तरकुलवा जनपद देवरिया और अरबाज खान पुत्र कयूम खान निवासी कौलाचक पोस्ट बजरिया थाना तरकुलवा जनपद देवरिया हाल पता मकान नंबर 288 गैस गोदाम गली विजय चौराहा थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2160 रुपए नगद, एक अदद सिम बॉक्स, 100 नेट शेयर स्लॉट विभिन्न मोबाइल कंपनियों का, 69 अदद नेट सेटर, 24 अदद सिम कार्ड एयरटेल और वीआई का, 3 अदद राउटर एटीएम कार्ड एसबीआई का, 2 लैपटॉप डेल का, 1 अदद प्रिंटर, 2 मोबाइल, 1 टूल किट, 2 पैन कार्ड, 4 फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, 2 फर्जी कूटरचित मतदाता पहचान पत्र बरामद किया गया है। दोनों आरोपी गैस गोदाम की गली में बेला कोचिंग के सामने दिसंबर 2019 से किराए के मकान में रहते थे और टीम वीवर के माध्यम से बांग्लादेश निवासी केटी से जुड़कर लैपटॉप में वर्चुअल मशीन एवं क्लाउड स्पेस के कारण डाटा लैपटॉप में नहीं होता था। इसके सहारे केटी अंतर्राष्ट्रीय कालों को सिम बॉक्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल को आधिकारिक एक्सचेंज को बाईपास कराकर कस्टमर को बात कराता था। आरोपितों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल का 15 पैसे प्रति मिनट की दर से पूर्वांचल बैंक के खाते में केटी द्वारा भेज दिया जाता था। इसके लिए तेज नेट की जरूरत होती थी, जो रेलवे वेयर का इंटरनेट कनेक्शन लिया था। दोनों आरोपितों को एसटीएफ ने कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस तरह से एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है, जिससे सरकारी एक्सचेंज को बाईपास करके भारत सरकार को राजस्व का नुकसान रुकेगा तथा कई तरह के अवैध गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी। जी भैया।